इंसान वो भी है, हम भी इंसान है, बट सोच अलग अलग है। उसके सोच में कुछ और है, हमारे सोच में कुछ और है। बोलने तो कोई बात नहीं, हम फिर भी बद्दुआ नहीं देते। मैं कहा माता रानी चलो उसके भी उसको भी खुश रखे। गलत बोलने से भी हमें कुछ मिलेगा थोड़े नहीं। बताइए भी मांगती थी पहले, बहुत इधर उधर धक्के खाए, बट हमें उतना इधर उधर इज्जत नहीं मिलती थी, कोई लोग सपोर्ट नहीं करते थे। फिर मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि खुद ना हम अपना काम करके अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजी रोटी कमाऊँ खाऊँ। मेरा खुद का स्टॉल है, मैं चाय की दुकान लगाती हूँ और अपनी पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजी रोटी कमाती हूँ और खाती हूँ। कई लोग हमें अजीब तरीके से देखते थे, भेदभाव करते थे कि किन्नर हैं। जैसे आम दुकान हो गई, उन पे सभी लोग जाते, हमारी दुकान पे कोई नहीं आता था कि ट्रांसजेंडर हैं किन्नर हैं, तो हमसे थोड़ा लोग भेदभाव करते थे, तो हमें भी थोड़ा सा फील होता था, अजीब सा लगता था कि हमारे पास क्यों नहीं आते। भाई ने मेरे को बहुत मेरे साथ बहुत बुरी बर्ताव किया था, उसी की वजह से मैं अपना घर छोड़ी। जगबाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, किन्नर समुदाय के जो लोग साडे घर खुशियां मनाउण दे लई आउंदे ने तां बदले दे विच उन्हां नूं शगन दिता जांदा है, पर अजोके समें दे विच असीं देखते हाँ कि बसां दे विच वी इह किन्नर समुदाय दे जिहड़े लोग ने उह सानूं मिल जांदे ने ते बदले दे विच सानूं असीसां दिंदे ने। अज तुहाडी मुलाकात असीं इसे समुदाय दे कुछ लोगों के नाल करवावांगे जो कि अपनी रोजी रोटी आप कमाउंदे ने, आप उन्होंने अपने स्टॉल खोले हुए ने। किसी ने चाह का स्टॉल खोलिया, किसी ने जलजीरे का स्टॉल खोलिया, चंडीगढ़ के ये लोग ने, गलबात करांगे। मैम स्वागत है, तुहाडा नाम दस दिओ। नमस्कार, मेरा नाम डिंपल है, मैं चंडीगढ़ हल्लो माजरा में रहती हूँ और मेरा खुद का स्टॉल है, मैं चाय की दुकान लगाती हूँ और अपनी पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजी रोटी कमाती हूँ और खाती हूँ। किसी का वो नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने पैरों पर खड़े होके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक मुझे एक रास्ता मिला अपने कमाने खाने के लिए। थैंक यू। तो आपको इस चीज़ के लिए किसने इनिशिएट किया, किसने बताया कि आप ऐसे काम कर सकते हो, या आपका अपना आइडिया था, आपके मन में था? सर कुछ अपना भी आइडिया था, कुछ हमें जैसे पहले हम लोग बधाइयाँ भी मांगते थे पहले, बहुत इधर उधर धक्के खाए, बट हमें उतना इधर उधर इज्जत नहीं मिलती थी, कोई लोग सपोर्ट नहीं करते थे। फिर मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि खुद ना हम अपना काम करके अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजी रोटी कमाऊँ खाऊँ, ताकि हम किसी का वो तो नहीं रहेगा कि कोई बोल तो नहीं सकता हमें। तो जब आपने अपना काम स्टार्ट किया तो आपको कोई दिक्कत आई? सर पहले तो दिक्कत आती थी कि कई लोग हमें अजीब तरीके से देखते थे, भेदभाव करते थे कि किन्नर हैं। जैसे आम दुकान हो गई, उन पे सभी लोग जाते, हमारी दुकान पे कोई नहीं आता था कि ट्रांसजेंडर हैं किन्नर हैं, तो हमसे थोड़ा लोग भेदभाव करते थे, तो हमें भी थोड़ा सा फील होता था, अजीब सा लगता था कि हमारे पास क्यों नहीं आते। फिर जब से हमें ESG ग्रुप्स के जरिए, जैसे जो कॉरपोरेशन के ज़रिए हमें एक लाइसेंस मिला, उसके थ्रू हम अपना जब से लाइसेंस बना तब से हम दुकान लगाने, तब से थोड़ी थोड़ी लोगों के अंदर बदलाव आने लगी और धीरे धीरे हम इससे भी लोग भेदभाव करना धीरे धीरे ख़त्म करने लगे। अब थोड़ी सही होगी पहले से, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे से लोग आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, चाय भी पीते हैं, बात भी करते हैं हमसे, अच्छा लगता है। हाँ जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है अभी? सर मेरे परिवार में एक्चुअली मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है, पहले मम्मी पापा थे, दोनों एक्सपायर हो गए। घर में भाई बहन थे, तो भाई बहन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भाई ने मेरे को बहुत मेरे साथ बहुत बुरी बर्ताव किया था, उसी की वजह से मैं अपना घर छोड़ी मैं। हाँ जी, इस टाइम मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। तो अभी आप रेंट पे रहते हैं? हाँ जी, मैं रेंट पे रहती हूँ। रेंट पर भी सर हमारे लिए बहुत औखा था कि हमें कोई किराए पे रूम नहीं देता था, भेदभाव करते थे। अभी भी बहुत दिक्कतें आई, कई बार कमरे खाली करो, इधर जाओ उधर जाओ, तो इसलिए बहुत भी प्रॉब्लम होती थी। रेंट पर भी हमें कोई रूम नहीं देता था, किराए पे भेदभाव करता था कि ये तो किन्नर हैं ट्रांसजेंडर हैं। कहीं भी जाते थे रूम मांगने, या तो ज़्यादा किराया बना बता देते थे कि डर के मारा भाग जाए, या तो खुद मना कर देते थे।
हम इसके अलावा हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता था। हम इतना तो कमाते नहीं हैं कि हम 10,000-12,000 किराया दे सकते हैं। तो इस करके अभी थोड़े थोड़े बदलाव आने लगी, तो अभी फ़िलहाल हम रेंट पे ही हैं। अब थोड़ा सा सही हो गया, अब थोड़ा सा। आप जो बदले में उनको क्या बोलते थे, अगर आपके साथ कोई गलत बर्ताव करता है आप उसको गलत बोलते थे या चुप कर जाते थे? चुप ही कर जाते हैं, गलत बोलने से भी हमें कुछ मिलेगा थोड़े में, इसलिए हम तो बस दुआ करते हैं माता रानी उन्हें भी सुकून से रखे, जो हमारी तरफ को अच्छी नज़र से तकें। कहते हैं ना, जो आपके समुदाय के लोग होते हैं उनकी जो होती है अरदास होती है वो सुनता है भगवान। सुनता है, लेकिन हम देते नहीं, क्यों? हम ही एक परेशान है, दूसरे को भी परेशान करना अच्छी बात नहीं लगती। नहीं, अच्छी अरदास किसी के लिए करते हो, वो तो करते हो। हाँ, अच्छी करते हैं, माता रानी खूब खुशियाँ दे, उनके बच्चे बने रहे, उनका जोड़ा बना रहे। बुरा बोलता है, तभी हम किसी को अच्छा ही बोलते हैं। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं कि हम, चलो हम, कई लोग होते हैं कि बद्दुआ देते हैं, गाली देते हैं, जिसे हमें कोई गलत बोले, उल्टा सीधा बोले, किन्नर है ये है, तो गलत भी बोले, हम उसके लिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भी हम तो यही सोचते हैं कि इंसान वो भी है, हम भी इंसान है, बट सोच अलग अलग है, उसके सोच में कुछ और है, हमारे सोच में कुछ और है। बोलने तो कोई बात नहीं, हम फिर भी बद्दुआ नहीं देते। मैं कहा माता रानी चलो उसकी भी, उसको भी खुश रखे। तो जो आज की जनरेशन है वो आपको कैसे देखती है, उस वो तो नहीं कोई फ़र्क समझती ज़्यादा? आज की जनरेशन में तो सर अभी बहुत सुधार आ गया पहले से, बट थोड़े थोड़े कुछ लोग हैं जो अभी भी पुराने ख्याल में हैं। अब तो 100% से ज़्यादा 70-80% सही हो गया है, बस वही 15-20% लोग हैं जो अभी भी भेदभाव करते हैं। तो आप तो मेरे ख्याल से इनमें से एज से ज़्यादा हो, एज आपकी ज़्यादा इनमें इनसे? हाँ जी एज ज़्यादा है। तो आपका तजर्बा क्या कहता है, आप जिस समुदाय से संबंध रखते हो और आपको जो मुश्किलें पहले फेस करनी पड़ती थी, अभी उसमें कोई फ़र्क आया? हाँ जी, बहुत फ़र्क आया हुआ है। पहले तो बहुत मुश्किल, ऐसे तो छोटी उम्र से भी हमारे को बहुत मुश्किल है, वहाँ से जब हम गांव से उधर से आए बहुत मुश्किल था, यहाँ आकर के इधर उधर बहुत धक्के खाए हमने। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि चलो अपने स्टैंड पे खड़ा हो जाएंगे, हम काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पहले हम नौकरी भी ढूंढने जाते थे, कोई नौकरी भी हमारे को देते नहीं थे। फिर आप लोग नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। फिर हमने सोचा हमने तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में, बोल के हमने फिर धीरे धीरे हमने सोचा चलो हम छोटी मोटी फुटपाथ में दुकान ही लगाते हैं, यही करते हैं। उसमें भी जीने नहीं देते थे, दुकान करते समय भी आप लोग का लाइसेंस नहीं, आप लोग ट्रांसजेंडर हो, ये वो, बहुत ही मुश्किल आती थी। फिर हमने एमसी से रिक्वेस्ट किया, तो हमारे एक है इसमें सक्षम एनजीओ चलाते हैं, सक्षम एनजीओ ट्रस्ट में धनंजय मैम है हमारे, पहले यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उसने, जो ट्रांसजेंडर टॉयलेट भी बनाए हैं उनने, फिर उसने हमारे बहुत सपोर्ट किया। फिर हमको लेके गए एमसी में, फिर कमिश्नर से मिले इधर उधर, उनके कारण हमारे फिर लाइसेंस बन गए। फिर हम आराम से अब तो दुकान कोई दिकदारी नहीं है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, सारे भेदभाव भी ख़त्म हो गए हैं। अब तो जो भी आते हैं अच्छे से हमारे में दुकान में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छे से बातें करके चले जाते हैं, ऐसे कोई दिकदारी नहीं है। तो एक बात बताओ, जो आम तौर पर जो लोग फेस करते हैं, बसों में जाते हैं वहाँ पर भी किन्नर समुदाय के जो लोग हैं वो मांगते हैं, पहले ये बताओ कि ऐसे मांगना अच्छा है कि कोई परंपरा है आपकी या गलत है जी? नहीं, ये भी सही है, ये परंपरा है, ये जो बसों में किन्नर समुदाय के लोग मांगते हैं वो गलत नहीं है? गलत नहीं है, वो भी परंपरा है, मांगना भी चाहिए। जो आज का जनरेशन है, जो आजकल ट्रांसजेंडर हो, किन्नर हो, पढ़े लिख कर के कुछ बनना चाहते हो, वो भी अच्छी बात है, जो जो अपने विचार में जो रखते हैं वो अच्छी बात है। किन्नर ये भी तो बहुत साल पहले से ही चली आई परंपरा है, ये भी चलते रहना चाहिए ये भी परंपरा। अब धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, अपने अपने काम करेंगे, अपने पैरों में स्टैंड होंगे, वो भी अच्छी बात है। अब धीरे धीरे सबको समझ आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो स्टडी का क्या सिस्टम है आपके इस समुदाय में, पढ़ते हैं या कितना पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, कोई तो काफ़ी पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर भी बना हुआ है, कोई वकील भी बना हुआ है इसमें हमारे समुदाय में, और पढ़ने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प करते हैं इसमें, पढ़ना जो पढ़ना चाहते हैं बहुत हेल्प करते हैं वहाँ की तरफ से भी। क्या संदेश देना चाहते हो आप लोगों के लिए, जैसे आपके साथ अभी भी मैं समझता हूँ भेदभाव करते ही हैं, क्या कहना चाहते हो आप?
बस हम यही कहना चाहते हैं, हमारे से भेदभाव ना करें, हम भी आप लोग का जैसे ही है, वही माँ बाप की पेट से ही हम भी आए हुए हैं, हमारे भी समाज में एक समान जोड़ो, एक समान देखो, यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे साथ में भी कोई भेदभाव ना करे, हम भी इंसान ही है, कोई अलग से हम पैदा नहीं हुए हैं। जैसे आप मेहनत करते हो उसके लिए क्या कहना चाहते हो, कैसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो आप? मेहनत तो जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी करो, पढ़ो लिखो कुछ बनो, मेहनत करो, अपने पैरों में खड़े हो जाओ, बहुत अच्छी बात है ये सब करने। सो गलबात हुई है, तुसी सुनिया कि किन्नर समुदाय के लोग अपने कारोबार करते पे ने, चंगियां पोस्टां ते भी ने, क्योंकि सरकारां ने भी इन्हां बारे सोचना शुरू किया, सरकारां दे वल्लों भी इन्हां नूं पढ़ाई करवाई जाती है, उन्हां नूं फंड दिते जांदे ने, ते नाल ही जिहड़े फिलहाल नहीं पढ़े हुए है वो अपना कारोबार उन्होंने करना शुरू कर दिता, तो इन्होंने बहुत सोहनिया एग्जाम्पल्स दिखाई ने कि भी साढ़े दे नाल तुसी कोई भी भेदभाव ना करो, असी तुहाडे वर्गे ही आ, तुहाडे वांगू ही माँ की कुख दे विचों जन्म लिया, वो मर्जी सीगी, महाराज ने उन्होंने किस समुदाय दे विच भेजना सी उसकी मर्जी सी, पर उन्होंने जिवें कि तुहानू दिखाया कि भी चाह पानी का वो अपना कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, ये भी उन्होंने एक बहुत वधिया एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी आ सैट की है। तुसी बने रहो जगबाणी टीवी के नाल, मेरे नाल कैमरा परसन रजत कुमार।